गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू माई क्लास टीचर एडुक्शन अकेडमी इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माइक्रोलेसन प्लान ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रोलेसन प्लान लिखेंगे डेट आज की डेट डाल लेंगे थ्री एट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट बायोलॉजी टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है एट्थ क्लास का प्लान है पीरियड सेकेंड ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रोलेसन है कितने मिनट्स की होनी चाहिए सिक्स मिनट्स की और स्किल कौन सी है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहला कंपोनेंट क्या है क्वेश्चन आज अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स नंबर टू क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स नंबर थ्री क्वेश्चन रिलेटेड टू दब्जेक्टिव ऑफ द लेसन और नंबर फोर क्वेश्चन आर आज इन सीक्वेंस और लास्ट है क्वेश्चन आर आज अकॉर्डिंग टू the रिक्वायरमेंट अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे अब आप क्या करेंगे अपनी कॉपी पर ही जो है इस प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज वो होती है जो स्टूडेंट जो आप चैप्टर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जैसे मैंने ये टॉपिक यहाँ पे छोड़ रखा है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले स्टूडेंट क्या पढ़ के आया है या उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ जनरल नॉलेज क्या होगी अब जैसे ये एट्थ क्लास का प्लान है तो स्टूडेंट सेवेंथ और सिक्स क्लास में क्या पढ़ कर आया होगा उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चनस बना लेता हूँ जैसे यहाँ पर बनाया स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट सम लार्जेस्ट एनिमल्स एंड स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स अब स्टूडेंट को क्या जनरल नॉलेज है, है? कि उसको लार्जेस्ट एनिमल्स और स्मॉलेस्ट इंसेक्ट के बारे में पता है अब जो भी मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूँगा इस स्किल को पढ़ाने के लिए वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल होती क्या है बेसिकली इस स्किल के अंदर हम करते क्या हैं कि जैसे हम क्लास में गए टॉपिक पढ़ाने के लिए तो हम डायरेक्ट जाके टॉपिक स्टूडेंट को नहीं बता देते हैं हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट से उसी टॉपिक से रिलेटेड जो उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड हो कुछ क्वेश्चन हम लोग फ्रेम कर लेते हैं और स्टूडेंट से वो क्वेश्चन हम लोग पुटअप करते हैं और फिर धीरे धीरे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन तक पूछते पूछते मैं उसके आंसर लेता जाता हूँ और लास्ट में जो है हम स्टूडेंट से ही टॉपिक निकलवाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिखते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक छोड़ रखा है मैं बताऊँगा टॉपिक को मैं कैसे लिखूँगा तो आपको क्या करना है एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है उसमें सीरियल नंबर पीपल टीचर्स एक्टिविटी तीसरे में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे ये आपको नहीं लिखना है टीचर एडुकेशन अकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब आपको क्या करना है के स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुट अप करना है विच इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन दी अर्थ अब रिस्पॉन्स क्या आएगा पीपल से ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ कंपोनेंट नंबर वन वन है क्या क्वेश्चन आस्ट अकॉर्डिंग टू दी एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स अब देखिए ये एट्थ क्लास का प्लान है तो एट्थ क्लास के स्टूडेंट को जो पता होगा कि लार्जेस्ट लिविंग एनिमल अर्थ पे कौन सा है तो उसको पता है कि ब्लू वेल जो है लार्जेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ है क्योंकि एट्थ क्लास का बच्चा सिक्स और सेवन्थ क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आया होगा तो जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है उसकी एज को ध्यान में रखते हुए और उसकी क्लास को ध्यान में रखते हुए कि एट्थ क्लास के बच्चे की एज ये होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो क्वेश्चन ऐसा ईजी होना चाहिए कि उसका आंसर स्टूडेंट से निकल आए तो पहला कंपोनेंट यूज़ हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए विच स्मॉल इंसेक्ट विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स और ब्लड एट नाइट रिस्पॉन्स क्या आएगा मॉस्किटो इज दस्ट इंसेक्ट दैट और ब्लड एट नाइट कम्पोनेंट नंबर टू अब नंबर टू कंपोनेंट है क्या क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अब देखिये स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या थी स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट सम लार्जेस्ट एनिमल्स एंड स्मॉलेस्ट इंसेक्ट देखिए पहले क्वेश्चन भी था वो मेरे प्रीवियस ही नॉलेज पर बेस्ड था तो लार्जेस्ट एनिमल ने बता दिया अब देखिए दूसरा मैंने पूछा विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स अवर ब्लड एट नाइट तो यहाँ पर मैंने ऊपर मैंने कंपोनेंट बॉन यूज़ किया और यहाँ पर नंबर टू तो क्या है ये प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है क्योंकि उसको पता है कि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स जो ब्लड सक करते हैं वो कौन होते वो होते हैं मॉस्किटो तो ये इसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले में मैंने एज और क्लास का ध्यान रखा और दूसरे में मैंने प्रीवियस नॉलेज का भी ध्यान रखा अब थर्ड क्वेश्चन पुट अप करिए विच इज द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेप्ट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या है एंड आट इज स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेप्ट कंपोनेंट थ्री क्या है क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन तो जो भी आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं तो उसको कवर करना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें जब आप बड़ा प्लान बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन करते हैं इससे पहले राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया था तो जो आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए ही आप क्वेश्चंस बनाएंगे कि उन ऑब्जेक्टिव्स को आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप जैसे बुक्स में भी देखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखा था कि इस टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद स्टूडेंट को क्या नॉलेज होगी क्या वो लर्न करेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने लार्जेस्ट पूछ लिया स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स की ओर हम जा रहे हैं अभी जब मैं टॉपिक क्लियर करूँगा तो आपको और पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ और नंबर थ्री कंपोनेंट भी यूज हो गया अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछिए विच लिविंग बींग कैनॉट बी सीन आर बाय आर नेकेड आई अब आपने डायरेक्ट पूछ लिया कौन सी लिविंग बींग है जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई देती है तो क्या होगा स्टूडेंट कहेगा नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देती तो स्टूडेंट क्या करेगा नो आंसर हाँ से कोई आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट से स्टूडेंट एकदम शांत हो जाएगा चुप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे तीन चार सेकेंड का आप पॉज लीजिएगा क्योंकि यही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है स्टूडेंट से आंसर इसका नहीं आएगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को देंगे जो स्टेटमेंट ऑफ एम अपनी कॉपी में आप स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखेंगे लेकिन क्लास में नहीं बोलेंगे आप इसका आंसर देंगे सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैनॉट be seen by, our, by our naked eye. So students today we will know something about Toh, kya hai, topic? micro organism. तो क्या है आज का टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब आप ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और जो टॉपिक मैंने छोड़ रखा था अब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आज का टॉपिक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो अब आपने टॉपिक को लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है अब ये स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस हो गया है लेसन कि आज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या कह दें स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने जा रहे हैं कि मैंने स्टूडेंट से डायरेक्ट जो है मैंने जो है नहीं बताया कि कौन सा टॉपिक में पढ़ने हैं हम लोग जो है आज जो है स्टडी करने जा रहे हैं मैंने डायरेक्ट नहीं बताया मैंने क्या किया कुछ क्वेश्चंस बनाए उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड और धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक तक पहुँचे अब समझ लेते हैं पहले कि यहाँ पर कंपोनेंट कौन से यूज हुए हैं नंबर फोर और फाइव यूज़ किया है तो फोर है क्वेश्चंस आर आस्ट इन सीक्वेंस अब देखिएगा मैंने जो क्वेश्चंस जो पुटअप करे हैं वो सीक्वेंस में करे हैं मैंने यहाँ लार्जेस्ट पूछा फिर स्मॉल इंसेक्ट पूछा फिर पूछा गया हार्ड वर्किंग से कौन सा होता है तो इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बना के चला है और लास्ट में मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया विच लिविंग बींग नॉट बी सीन बार आर नेकेड है मैंने यहाँ लार्जेस्ट पूछा फिर स्मॉल इंसेक्ट पूछा फिर पूछा कि कौन से लिविंग बींग है जो दिखाई नहीं मैं तो मैं छोटा बड़े से छोटा होता गया और फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आ गया तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है जो एक सीक्वेंस दिखा रहा है एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं है कि अप एंड डाउन कहीं से भी मैं कुछ भी क्वेश्चन इसको मैंने पहले नहीं पूछ लिया मैंने इसको सीक्वेंस में पूछा ठीक है तो एक है, यही बता रहा है। और देखते कौन सा है? है, ये, है। हम क्लास में जाकर क्या कर रहे हैं लेसन को सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो उसमें हमको क्या करना है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप करने आप इसमें चार या पांच क्वेश्चंस ही आप बनाएंगे इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे मैंने यहां पे चार ही क्वेश्चन बनाए हैं आप आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन मत बनाइएगा मिनिमम थ्री रखिएगा मैक्सिमम ये फ़ाइव होता है इससे ज़्यादा रखेंगे तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि ये सिक्स मिनट का ही प्लान होता है हम, हम लेसन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो क्वेश्चन आज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट तो ये भी कंपोनेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो इस तरह से आप लेसन को क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इसको आपको प्रेजेंट नहीं करना है क्लास में सिर्फ कॉपी में आपको इस तरह से बना के छोड़ देना है आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे जिसमें सीरियल नंबर कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको एस सच आप लिख दीजिएगा और रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी फाइव फोर थ्री टू वन आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे अगर किसी कंपोनेंट पर फाइव देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है वेरी गुड किसी कंपोनेंट पर फोर दे रहे हैं तो गुड किसी कंपोनेंट पे थ्री दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री अगर टू दे रहे हैं किसी कंपोनेंट पे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर वन देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे आपके सुपरवाइजर यहाँ पे लिख देंगे इसलिए थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा और सुपरवाइजर सिग्नेचर कर देते हैं लास्ट में माइक्रो प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है थैंक यू